कहाँ जा रहे हो ऋतुराज भैया? जानते हो ऋतुराज को कोई रोक टोक नहीं है, फिर भी पूछते हो कहाँ जा रहे हो। ये देखो इनकी हालत, विधायक जी से न्याय मांगने आए हैं। मालिक पूजा करते हैं, थोड़ा ठहरो। दया और सेवा से भी बड़ी कोई पूजा है? इन लोगों को ठाकुर साहब की जरूरत है। क्या बात है दरबान? ऋतुराज भैया मिलने आए हैं सरकार। क्या हुआ ऋतुराज, सुबह सुबह कैसे? विपदा समय देखकर कहां आती है विधायक जी, ये बेचारे अन्याय के मारे न्याय की आशा लेकर आए हैं आपके पास। दरबान इन्हें अंदर आने दो। विधायक जी राम राम। राम 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 राम। बैठे बैठे बैठे। जय माता दी। बैठो ऋतुराज बैठो। क्या फौजदारी करके आ रहे हो? विधायक जी ये अधमरे प्राणी जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते वो फौजदारी क्या करेंगे? ये तो अत्याचार का शिकार हैं। अब इस क्षेत्र में आतंक फैल रहा है, जुल्म के बादल छा रहे हैं। मौसम का हाल ही बताते रहोगे या ये भी बताओगे कि क्या हुआ? रात मुंह पर कपड़ा बांधे एक भीड़ काल बनकर टूट पड़ी इन लोगों पर, हाथ पैर तोड़ डाले उनके जिनमें वैसे भी चलने फिरने की शक्ति नहीं है, सर फोड़ डाले उनके जो सर पर बोझ उठाकर अपना पेट पालते हैं, ना बूढ़ों को छोड़ा ना बच्चों को। कौन लोग हो सकते हैं? लूटपाट तो नहीं की? लूटने के लिए तो एक विधवा की जवानी और एक गरीब की जवान बेटी थी, सो लूट ली। मुंह पर कपड़ा बांधे थे तो पहचानते कैसे? बस लाठियां बरसाकर कह रहे थे झोपड़े खाली कर दो और कहीं जाकर बस जाओ। अब विधायक जी उन्हें कौन बताए कि ये झोपड़ियां खाली ही तो हैं, इनमें सिवाय मानव शरीर के और है क्या? बहुत बुरा हुआ। तुम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई? लिखाई? एक पढ़ा लिखा था बस्ती में मास्टर पांडे, सोचा पुलिस उसकी सुनेगी, मगर पुलिस ने पांडे जी को ही धर दबोचा कि नेतागिरी करके क्षेत्र की शांति भंग करते हो। हम दरोगा से कह दिए दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरे ढोर की खाल से लोह भस्म हो जाए। दो डंडे हमारे भी जड़ दिए, अब आपके पास आए हैं न्याय की आशा लेकर। मैं छानबीन करवाता हूं। पांडे को नेता बनने की क्या जरूरत थी? मैं इस क्षेत्र का विधायक हूं, आप लोगों को अपना दुख दर्द मुझे बताना चाहिए। तुम लोग पंडित दीनानाथ जी के पास भी गए होगे? गरीब तो हर आशा की तरफ दौड़ता है विधायक जी। गए तो थे लेकिन दो टुक जवाब मिल गया, जिसे वोट देकर जिताया है उसी के पास जाओ। यहां तो मतभेद को मनभेद बना लेते हैं। वो तुम्हारी मदद कर भी क्या सकता था? तुम्हारे मोहल्ले के पूर्वी पट्टी के लोग आज भी उस पंडित के साथ हैं, हालांकि काम में ही आता हूं, पर तुम लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है। देखो ऋतुराज, तुम इन लोगों को लेकर शांति से अस्पताल जाओ, मैं उस थानेदार की खबर लेता हूं, आज ही पता लगवाता हूं कि वह अत्याचारी कौन है, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। और हां, डॉक्टर यादव से कहना कि मैंने इन लोगों को भेजा है, अच्छी मरहम पट्टी कर देंगे। बहुत बहुत कृपा विधायक जी, कल फिर अत्याचार होगा, कल फिर मरहम पट्टी करा दीजिए। नहीं ऋतुराज नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, हम आश्वासन देते हैं, आज ही हम अपने बड़े बेटे नाहर सिंह से बात करेंगे, वो सब बंदोबस्त कर देगा। हेलो, पुलिस स्टेशन हवलदार बालू हेयर। मैं नाहर सिंह बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर को फोन दो। है एक मिनट सर, मेहताब सिंह के बेटे नाहर सिंह का फोन है। यस सर। हुकुम सरकार? हुकुम नहीं, रिलीज ऑर्डर है। रिलीज ऑर्डर किसका? उस पांडे का, जिसे तुमने मेरे कहने पर बंद किया था, उसे मेरी जमानत पर छोड़ दो। क्या कहते हैं सर, सच्चाई को आजाद कर दूं? तुम राजनीति का खेल क्या जानो? सच्चाई को आजाद क्या, हमें उसे हमेशा के लिए सुलाना भी आता है। ओके सर। हवलदार बालू, पांडे को छोड़ दो और ताकीद कर दो कि नाहर सिंह की जमानत पर छूटा है, नेता बनने की कोशिश ना करे। जय शिव शंकर। आओ केतकी, आओ आओ बैठो।
भोजन लेकर आई हो? हाँ ऋतुराज भैया, पर खा जरूर लेना, हमेशा की तरह अपने कुत्ते भी लियो और चिरोटों को मत खिला देना। केतकी जानती हो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्या है? मैं क्या जानू, ये तो तुम सब विद्वान लोग ही जानो। क्या है? परोपकार। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, यानी कि दूसरों पर उपकार करना, जैसा कि तुम मुझ पर कर रही हो। क्या कहते हो ऋतुराज भैया, मैं और तुम पर उपकार? ये उपकार नहीं तो और क्या है? रोज बिना नागा समय पर तुम मेरे लिए भोजन लेकर आती हो, फिर बाद में जाकर मेहनत मजदूरी करती हो। कौन करेगा ये सब मुझ जैसे फकीर के लिए? छी, कौन कहता है तुम फकीर हो? तुम तो देवता हो देवता। अगर तुमने मुझ अनाथ को सहारा न दिया होता तो न जाने आज मेरा क्या हाल होता। मैंने तो बस तुम्हें ही अपना जाना है। केतकी, माफ करना, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, मगर तुम अनाथ नहीं हो, मैं हूं तुम्हारा भाई ऋतुराज भैया। चलो चलो आंसू पोछो और हंस दो। देखो, अरे पगली रोती क्यों हो? एक दिन एक सुंदर सा राजकुमार आएगा और तुझे भैया। अच्छा ऋतुराज भैया, मैं काम पर जा रही हूँ, देर हो रही है। और सुनो, भोजन जरूर कर लेना। अरे हाँ बाबा हाँ। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिए वो काहे का पीर। राम राम ऋतुराज जी। हाँ राम राम पांडे जी, आइए आइए आइए। आखिर पुलिस की एक नहीं चली, छोड़ना ही पड़ा। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा विश्वास है कि अगर विधायक जी बीच में पड़ेंगे तो पुलिस को छोड़ना पड़ेगा। पर ऋतुराज जी, मुझे तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नजर आता है। अब किस पर विश्वास करें, वो विधायक के बेटे नाहर सिंह की मेहरबानी पर या फिर अपने मन की आशंका पर? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही। अब सच्चाई का पता लगाए बगैर किसी पर शक करना भी तो ठीक नहीं ना? हाँ ये बात तो ठीक है, मन में शंका सदा रही, कौन बुरा और कौन भला, जब तक चोरी जाए न पकड़ी तभी तलक है चोर भला। ठीक कहा ऋतुराज जी। अच्छा मैं चलता हूँ, आज तो पाठशाला खोलूंगा ही। हाँ हाँ जरूर। हुजूर, पांडे को छुड़वा के आपने ठीक नहीं किया, उसको आपके मेहरबानी पर शक है। हाँ इंस्पेक्टर माथुर। यस सर। कल तुम किसी दूर के इलाके में दौरे पर चले जाओ। दौरे पर सर? हाँ। पर क्यों? क्योंकि कल किसी को आत्महत्या करनी है, समझे? यस सर। जाओ। आओ आओ पांडे जी, सुस्वागतम सुस्वागतम। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, फांसी का फंदा है। अरे हरिचंद्र की औलाद बड़ा नेता बनना चाहता है, चलो तुम्हें स्वर्ग का नेता बना दूं। हैं, सुना है वहाँ भी एक जगह खाली है ना? Oh, oh, oh.